तो बच्चों, हमारा यह कंसेप्ट वीडियो पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस इस टॉपिक पर आधारित है। बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में आपने देखा कि डायोड के पी टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं एंड एन टर्मिनल को हम बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। चूंकि ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन में है तो यहाँ पे कनेक्शन जस्ट उल्टा होगा। वी विल कनेक्ट दी पी टाइप रीजन टू दी नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप रीजन टू दी पॉजिटिव प्लेट ऑफ दी बैटरी। तो कुछ इस तरीके से आपका कनेक्शन नज़र आएगा। तो बच्चों, इस तरह के कनेक्शन के क्या परिणाम हो सकते हैं? आप देख सकते हैं कि एन टाइप में चूंकि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे। तो कुछ इस तरीके से चार्जेस का माइग्रेशन हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी, डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा। और डिप्लीशन रीजन के बड़े होने का मतलब यह है बच्चों कि पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन यह है बच्चों, रिवर्स बायसिंग में द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, देयरफॉर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स टू डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन। तो बच्चों, इसको पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करें हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पोटेंशियल बैरियर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज वी नॉट था, बट अभी हमने क्या कर दिया, हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वह वी नॉट को सपोर्ट करने वाला है, वह डिप्लीशन रीजन की विड्थ को बढ़ाने वाला है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में बच्चों, जो इफेक्टिव बैरियर हाइट है पोटेंशियल की, that will increase from V naught to V naught plus V, that is potential barrier plus applied voltage. अभी ये आपका net barrier height हो जाएगी। तो it will be much more difficult for majority charge carriers to cross the depletion region. And diffusion current decreases enormously compared to the diode under the forward bias. इसका मतलब यह है बच्चों कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डिफ्यूजन करंट थी उसकी तुलना में रिवर्स बायस कंडीशन में डिफ्यूजन करंट बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम होगा। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे जो इफेक्टिव बैरियर हाइट है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल, वो बढ़ चुका है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगी। यह डिप्लेशन रीजन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और ये फिर क्या करने लगेगा बच्चों, ये आपके रिस्पेक्टिव रीजन्स के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको पुल करने लगेगा। यानी कि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द पी साइड और होल्स ऑन द एन साइड कम क्लोज टू द जंक्शन, दे विल बी स्वेप्ट टू इट्स मेजॉरिटी जोन। यानी कि पी रीजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के एन रीजन में डाल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली एन रीजन के होल्स को ये पी रीजन में पुश कर रहा है। बच्चों याद करिए, पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते थे, ड्रिफ्ट कहते थे। तो दिस ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स गिव राइज टू करंट, तो यहाँ पे एक अलग तरह का ड्रिफ्ट करंट अराइज होगा। दिस ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स। क्योंकि बच्चों समझने वाली बात यह है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते कितने हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। तो इवन दो डिप्लीशन रीजन में प्रेजेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनॉरिटी चार्जेस का मूवमेंट हो जाए अक्रॉस द रीजन्स, बट दैट करंट, द करंट जनरेटेड ड्यू टू दिस माइग्रेशन, दिस ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स, ये मैग्नीट्यूड वाइज इतनी लार्ज होगी नहीं, क्योंकि हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स पर यह ड्रिफ्ट करंट डिपेंड करती है। सो दैट इज़ वाई, इन्हीं कारणों के कारण जो ड्रिफ्ट करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर की होती है, एंड दिस इज क्वाइट लो बिकॉज इट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ कैरियर्स फ्रॉम देयर माइनॉरिटी साइड टू देयर मेजॉरिटी साइड अक्रॉस द जंक्शन। ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड बायस। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में भी ड्रिफ्ट करंट होती है बच्चों, बट वहाँ पे मूवमेंट अलग होता है, वहाँ पे बैरियर हाइट घटती है,
तो ड्रिफ्ट करंट वहाँ पे नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस करंट होता है मिली एम्पियर्स के ऑर्डर का, उसके कंपैरिजन में यह ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होती है, तो हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो ड्रिफ्ट करंट होती है इसको हम डायोड की रिवर्स करंट भी कहते हैं। ये अप्लाइड वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती है। दैट मीन्स इवन अ स्मॉल वोल्टेज इज सफिशियंट टू स्वीप द माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ जंक्शन टू द अदर साइड ऑफ जंक्शन। यानी कि अगर रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्शन बिठा रखा है तो थोड़ा सा भी इवन स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्वीप द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द रीजन। द करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बट इज लिमिटेड ड्यू टू कंसेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको बच्चों कि ये जो ड्रिफ्ट करंट है, डायोड रिवर्स करंट है, ये डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे। तो ये अप्लाइड वोल्टेज से बहुत ज़्यादा इसको फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही अप्लाइड वोल्टेज चाहिए, बट इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वह डिपेंडेंट होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कंसंट्रेशन पे। द करंट अंडर रिवर्स बायस इज एसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू अ क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। यानी कि आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते रहिए रिवर्स बायस कंडीशन में, आपकी रिवर्स बायस करंट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक कि ये रिवर्स बायस वोल्टेज एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वैल्यू को क्रॉस ना कर जाए। तो बच्चों जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज इस ब्रेकडाउन वैल्यू को टच करता है देर इज सडन अब्रप्ट राइज इन दी फ्लो ऑफ कैरियर्स अक्रॉस दी जंक्शन एंड इस पॉइंट के बाद इस सिचुएशन के बाद इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन वोल्टेज कॉजेज अब्रप्ट इंक्रीज इन करेंट। तो बच्चों ये संकेत हैं आपके पीएन जंक्शन के डिस्ट्रक्शन के कि यहाँ पे अब्रप्ट राइज हो रहा है करेंट पे, यानी ढेर सारे चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं। तो जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, वो आपके डिप्लेशन रीजन में फिर ब्रेकडाउन होता है। यानी कि रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय एन एक्सटर्नल सर्किट बिलो द रेटेड वैल्यू। अगर ऐसा नहीं होता कि एक डायोड की जो रेटेड वैल्यू है, रेटेड ब्रेकडाउन वैल्यू, अगर रिवर्स करंट उसके विद इन दैट ब्रेकडाउन वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगर आपकी रिवर्स करंट लिमिट नहीं हो रही है देन पीएन जंक्शन विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो बच्चों इस तरीके से आपकी रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड की वर्किंग की कहानी है। ड्रिफ्ट करंट राइज होता है और यह ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव बैरियर हाइट बढ़ जाती है और आपके एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा आपके रिवर्स डायोड करंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती अनलेस अंटिल द अप्लाइड वोल्टेज क्रॉसेस द ब्रेकडाउन वैल्यू।